शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने डंडा बैंक संचालक बर्खास्त होमगार्ड सैनिक को गिरफ्तार किया है, जो पैसा उधार देकर कई लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर चुका था। पकड़े गए होमगार्ड सैनिक के डर के चलते कोई भी पीड़ित इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सके। ऐसा ही एक मामला पूर्व में भी आया था, जिसमें अभिषेक गोस्वामी की मां ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को अवगत कराया। आवेदन देकर आखिरकार कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कब्जे से कुछ ब्लैंक चेक और ATM कार्ड भी जब्त किए हैं। वहीं पुलिस इसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड सैनिक रवि यादव लोगों को ब्याज पर कर्ज देता था और कर्ज लेने वालों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैंक चेक और ATM कार्ड अपने पास रख लेता था। इस सूदखोर के जाल में कई शासकीय कर्मचारी भी फंसे हुए थे, जो पूरा कर्ज चुकाने के बाद भी सूदखोर के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? रमेश पांडे। जोर से बोलो। रमेश पांडे। अच्छा, आप कोतवाली किस लिए आए थे आज? क्या अरे रविंद्र यादव करके इसने उसके पैसे लिए थे 3 लाख के समथिंग। 3 लाख के चक्कर में आज 6-7 लाख रुपए जमा दे चुके हैं। उसके बाद भी केस लगा दिया उसने, चेक लगा दिया, मेरी पत्नी के नाम से लगा दिया और रिश्तेदारों से लगवा दिया है चेक। वो तो कल पकड़ में आया तो मालूम पड़ा, तो इसलिए डर हमारा थोड़ा डर था पहले, अब डर निकल गया तो हम आए। और ब्याज के तौर पे आपने पैसा लिया था इससे? ब्याज का काम करता था? हाँ जी, ब्याज के खर्चे के साथ कम से सैकड़ों आदमी फंसे हुए हैं। अच्छा, आपने इसको जो पैसा लिया था आपने लौटा दिया था? जी जी। फिर क्या किया था? उसने क्या कहते हैं चेक वापस नहीं किए। चेक आपके मैसेज के नाम थे? हाँ, मेरे 4 चेक लिए थे, 6 इसके लिए थे मैसेज के। चेक लगाया? एक लगा दिया, मैसेज का लगा दिया, मेरा नहीं लगाया, और एक रिश्तेदार से लगवा दिया उसका। ये एक्चुअली में कुछ टाइम से डंडा बैंक चलाने के नाम से सूदखोरी का काम करते हैं कुछ लोग, ऐसी शिकायत मिल रही थी। और ये भी बात आ रही थी कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शासकीय कर्मचारियों से भी एक बार पैसा लेके देते हैं और काफ़ी बड़े ही रेट पे इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके अलावा वो हर जो भी तारीख उनकी मिस होती है उससे हर दिन का पेनल्टी भी लेते हैं 500-1000 रुपये, और बाद में उनको बाध्य करते हैं कि वो ATM दे दें। जैसी तनख्वाह उनकी आती है तो तनख्वाह को भी खुद जाके निकाल लेते हैं उसमें से अपना अमाउंट। सर, इनके पास कोई ATM वगैरह या चेक वगैरह कुछ ऐसे मिले? अभी कुछ चेक मिले हैं इनके पास में। ये जो होमगार्ड का सैनिक है रवि यादव, इसकी ये शिकायत थी 8 साल पहले के करीबन, ये यहाँ से बर्खास्त हुआ है और इसके बाद काफ़ी ज़ोर शोर से यही वाला धंधा कर रहा था, और इसमें इसने काफ़ी सारे शासकीय कर्मचारियों को भी इसी तरीके से कर रखा था। इसमें सर और कुछ लोगों को भी चिन्हित किया गया है डंडा बैंक शहर में चला रहा है? और भी लोगों को चिन्हित किया है और इसको भी किया है। इसमें अपने को कुछ चेक भी मिले हैं और कई सारे लोग अभी और भी लोग आ रहे हैं जिनका एक बताना है कि काफ़ी लंबे समय से ये इसी तरह से पैसे ही बहुत वसूलता था, और उसके बाद में अगर जब वो फाइनली टूट जाते थे तो वो चेक उनका लगा देते, क्योंकि ब्लैंक चेक रहता था उस पर वो लिख के फिर से उनके खिलाफ डाल देता था, तो हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। और लोग वो ATM भी दिखवा रहे हैं इनके, और बाकी लोगों की तलाश भी कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग भी इधर उधर हैं तो संभवतः कुछ सामान इधर रखा है, तो उसमें पुलिस रिमांड में पूछताछ कर रहे हैं। सर, आपने अभी इसके लिए मुनादी करवाई है तो कुछ पीड़ित? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।